मथुरा जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद भी नकली खाद्य सामग्री विक्रेताओं के हौसले बुलंद है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक खाद्य आयुक्त डॉ. गौरीशंकर ने बताया कि टीम के द्वारा शहर के थाना हाईवे क्षेत्र मंडी समिति परिसर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर मिलावटी घी बनाकर बेचने की जानकारी प्राप्त हुई। इस संबंध में कंपनी के अधिकारियों के द्वारा विभाग में शिकायत की गई, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम के द्वारा मंडी समिति परिसर में छापा मार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान टीम को भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के लेबल लगाकर नकली घी बरामद हुआ है। ये मंडी परिसर में सूचना मिल रही थी कि वहाँ पारस कंपनी का जो घी है उसकी डुप्लीकेसी करके वहाँ पर विक्रय किया जा रहा है। तो कंपनी की तरफ से दो लोग यहाँ पर उन्होंने सूचना दी और वो साथ में रहे और मौके पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम थी, दोनों ने वहाँ पर कार्रवाई की। तो तीन पॉइंटों पर वहाँ रेड की गई जिसमें काफ़ी मात्रा में डुप्लीकेट घी पारस ब्रांड का बरामद किया है, जिसको लेके थाने में कॉपीराइट एक्ट 420 के तहत FIR तीन लोगों के खिलाफ की जा रही है। विभाग द्वारा साथ ही उनकी क्वालिटी जांच करने के लिए नमूने अलग से भेजे जा रहे हैं। इस कार्रवाई से पूर्व ही सभी मिलावटखोर अभियुक्त मौके से भागने में सफल हो गए। इस कार्रवाई के दौरान टीम के द्वारा भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के लेबल लगाकर बेचे जा रहे नकली घी के पैकेट बरामद हुए। इस मामले में टीम के द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ थाना हाईवे क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जनमत न्यूज के लिए मथुरा से सैयद जाहिद की रिपोर्ट।